बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब अल्लाह पाक की रहमत से खैर व आफियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज हम बनाएंगे कश्मीरी चाय, तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए पैन में डालेंगे 4 कप पानी, 3 अदद सब्ज चाय की पत्ती 1 टेबलस्पून, सिंपल पत्ती जो हम आम घरों में इस्तेमाल करते हैं 1 टीस्पून, सौंफ 1 टीस्पून, दालचीनी का 1 टुकड़ा, 3 अदद सब्ज इलायची और 1 अदद बड़ी इलायची। ये सब चीजें हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसे पका लेंगे। इसे हम इतना पकाएंगे कि ये आधा रह जाए। इसमें कलर ऐड करने की जरूरत नहीं है, इसका अपना कलर ही निकल आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह कहवा तैयार है। इसे हम निकाल लेंगे और छान लेंगे। अब पैन में डालेंगे 6 कप दूध। ये मेरे पास फुल फैट मिल्क है इसलिए मैं इसमें क्रीम ऐड नहीं करूंगी, आप चाहें तो एंड पे इसमें क्रीम ऐड कर सकते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसे करेंगे बॉयल। दूध को बॉयल आ गया है, इसे मजीद थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे कहवा, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। जितनी हमें जरूरत होगी। इसमें मैंने तकरीबन 2 कप कहवा ऐड किया है। अब इसे मजीद पकाएंगे। आप चाहें तो इसमें नमक भी ऐड कर सकते हैं लेकिन मैंने इसमें ऐड नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह चाय तैयार है, अब हम इसे निकाल लेंगे। इस पे डालेंगे बादाम। आप भी ये रेसिपी बनाएं, एंजॉय करें, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।